यार कैसे हैं सब लोग? मुझे उम्मीद है तो सब लोग खैर से होंगे, लगा शुक्र है आपका भाई बिल्कुल फिट पार ठीक ठाक है। बड़े मजे की नींद आई है, ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों की रात नहीं होती इस तरह का, मतलब इतना भी नहीं था। पंखा मैंने चलाया हुआ था, मेरी ये है कि VAP नींद आई है आज, या तो मैं थका भी गया था इस वजह से आई है, तो या कोई मौसम चेंज हो गया इस वजह से आई है, पता नहीं क्या हुआ। बारह नींद बहुत मजे की आई है। मैं भी उठी हूँ, हाथ धो लिया, फ्रेश हो गए, नाश्ता तैयार हो रहा है, आता है फिर नाश्ता दिखाते हैं आपको। नाश्ते में दही है जनाब साहब, पूरा ही रात वाला सारे ने साथ में पराठे आए हैं, अभी नाश्ता करते हैं उसके बाद शॉप पे चलेंगे। दुकान पर आ गए हैं, ये वाली जो पुरानी विंडो है ना ख़राब जो हुई है सारी, आज ये पहले देनी है कबाड़ में, उसके बाद जो है इनका नया सामान आएगा। कुछ सामान मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, लाइटिंग बन रही है ना, ऑर्डर दिया हुआ है, प्रेस पर तैयार हो चुकी है, तो ये इनसे भेजते हैं क्योंकि जगह नहीं है आपके सामने। ये देखें, इनको यहाँ से रवाना करते हैं, उसे नया सामान ला के विंडो बनानी शुरू करेंगे। वो आज सामान आएगा नया या कल आएगा ये नहीं पता, मगर ये अभी जो है ना मैंने आगे पहुँचानी है। खिड़कियाँ खिड़कियाँ जनाब साहब मैंने सारी भेज दी हैं, सफाई कर ली है, सामान लेने चला गया था, सामान का ऑर्डर मैं लिखवा के आया हूँ तो अभी उन्होंने तैयार ही नहीं किया था, तो फिर उन्होंने अभी टाइम दे दिया कल का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कल सामान आ जाएगा, खिड़कियाँ बनानी शुरू करेंगे। अभी जो है भाई सब जा रहे हैं खाना लेने के लिए, भूख लग गई, दोपहर का टाइम हो गया। काम अब ये करेंगे, ये छोटी विंडो हमने बनाई थी ना ये वाली, इसके दो दरवाजे ये पड़े हुए हैं, इसको तैयार करते हैं, इसको जाली लगानी है, कब्जे लगाने हैं, इसका काफ़ी अभी काम रहता है तो इसको कंप्लीट करेंगे आज। पहले खाना खा ले, भूख काफ़ी लग गई है, सुबह से मैं निकला हुआ छोटे मोटे काम थे, ऊपर से वो पेंट वाले जो थे जहाँ पे काम पे लगवाए हुए बंदे उनके पास गया हूँ, तो वो जनाब साहब अभी जो है ना लगे हैं सफाई करने के लिए, तो मुझे उम्मीद है शायद जो थोड़ा सा ना पेंट करें किसी दीवार को, तो अभी शाम को जब फ्री होंगे ना फिर चलेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे सारा और ख़ुद भी चेक करेंगे जाके आज काम क्या किया। लंच जनाब साहब आ गया आज बड़े दिनों बाद, दाल साथ में है, चावल हैं, तो अभी जो है लंच कर लेते हैं, काफ़ी दिनों बाद लंच कर रहे हैं आज, आपको पता नहीं तो भाई अंदर काम करने निकल जाते हैं, दोपहर का खाना खाने का मौका नहीं मिलता, तो अल्लाह का शुक्र है दिखाएंगे उसके बाद काम शुरू करेंगे। विंडो तैयार कर लिया हमने, जाली शाली लगा दिए, कब्जे सब्जे स्टे वगैरह लगा के कुंडे लगा दिए, इसको बोल्ट के साथ फिट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास काम आया ये फ्रेम देख रहे हैं, पांच पड़े हुए जो, इनको भी तोड़ना है, तोड़ के ना तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ये दीवार आपको नज़र आ रही है ना ये वाली, इसके अंदर लगाने हैं सारे, इनके इसके साइज़ के बनाने हैं, इनके ऊपर फ्लेक्शन लगेंगे, अभी जो है इनको तोड़ेंगे आज, उसके बाद बनाएंगे, पहले तोड़ के इसके साइज़ वगैरह ठीक करेंगे, जो पाइप ख़राब होंगे वो पाइप निकाल देंगे, इस तरह कर कर आगे ना तो फाइनल इसका करना है, ये वाले जो फ्रेम नज़र आ रहे हैं इसका काम करेंगे। फ्रेम सारे कटिंग कर दी है मैंने, कुछ सामान ये रख दिया है अंदर ला के ना, अभी जो है ना सुबह इनका करेंगे साइज़ बमाइश वगैरह, कितने साइज़ का, उधर मैं 16 फुट 3 इंच का फ्रेम बनना है, ये कटिंग करनी पड़ेगी, जॉइंट लगाने पड़ेंगे, फिर इसके बाद जाके सामान पूरा होगा, जैसे कुछ पाइप गल चुके हैं ख़राब हो चुके हैं वो बाहर निकाल देंगे, कोई एडजस्ट करेंगे, अगर नया आना हो तो नया, नहीं तो उनका तो यही डिमांड है जी आप इसी में पूरा कर दें, तो हम कोशिश भी करेंगे इसी पाइपों को जो है ना काट पाट कटिंग करके थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इस सामान को पूरा कर दें, बाकी आगे देखें क्या होता है ये कल पता चलेगा। इस तरह रुक रुक के बोलने की ना एक वजह है, ग्राइंडर चला के मैं भी फारिग हूँ, कपड़ों में आपको पसीना शायद नज़र आ रहा हो, हालत जो है ना टाइट हो जाती है बंदे की, जब बंदा ग्राइंडर चलाता है तब पता चलता है कि हाँ जी तकरीबन 8 से 10 किलो का ग्राइंडर का वजन होगा, उसके बाद उसका मतलब वो लोड और प्रेशर होता है, गर्मी भी है उससे जो है ना हालत टाइट हो जाती है बंदे की। बड़े पाइप जो थे ना उनकी भी कटिंग मैंने कर दी है, कुछ जो सही वाले थे मैंने निकाल के बड़े ऊपर रख दिए हैं, बाकी छोटे पीस जो ख़राब हुए थे उनको मैंने काट कूट के फेंक दिए साइड पे, उनमें से जो पीस ख़राब होंगे ना वो सुबह निकालेंगे, अभी दुकान बंद करते हैं चलते हैं, जहाँ पर पेंट कर रहे हैं ना बंदे वहाँ पर जाकर देख के आज उन्होंने सुबह से लेके अब तक क्या किया है। लो जी ये सारा जो है ना अभी हुआ पेंट, ये वाला एरिया तकरीबन क्लियर हो गया, ये दीवार रहती थोड़ी सी सुबह हो गई है, दीवारें ओवरहेड है ना इसलिए थोड़ा लग रहा है, नीचे वाला जो एरिया ना ये सारी छत वगैरह इन्होंने कर लिया आज, ठीक है, दीवारें बस वो दीवार है कि फिलिंग होने वाली सुबह हो जाएगी, वो भी सीढ़ियों को इन्होंने लगा दिया पेंट, बाकी काम जो है ना इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि ये वाला एरिया जो है ना हमारा कंप्लीट हो जाएगा इधर से, बाकी काम अच्छा तो लगे होगा, ये पुराना काम है ना फिर टाइम लग जाता है, एक दो जगह पर छोटे छोटे मसले निकले थे जिस वजह से ना इतना टाइम लग गया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल के दिन में ना ये वाला एरिया हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जी मैं भी घर आ गया हूँ, घर आके नहा धो के फ्रेश हो गया, खाना शाना खा लिया, तो आपका भाई अभी वीडियो को इधर ही ख़त्म करेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, गुजारिश है आपसे अगर आपका दिल माने तो वीडियो को लाइक कर दें, वो भी अगर आपका शौक हो तो, मैं मजबूर नहीं करूँगा आपको, आपका ना आप दुखेगा यंग उठा जाना नहीं
कुछ नहीं होगा, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि काम कैसा चल रहा है आजकल मेरा और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।